सुलाती हो लाती हो घर में? पहले अपना भला कर ले, अपने भले के बारे में सोच ले, फिर दूसरे के बारे में सोचना। और सिमल, तू डंडा दिखा रहा था कल, आज तेरा पिछवाड़ा झाड़ते हैं डंडे से। तू जो जाती डंडा दिखा रहा था ना कल, आ जा तू, पिछवाड़ा झाड़ते हैं तुम्हारे डंडे से। बहुत ज़्यादा तुम बन रहे हो सिमल, ठीक है ना? और हाँ, हम ऐसे सिंदूर लगाते हैं, तुमको कोई परेशानी है तू अपनी बहन से बोल सिंदूर लगा, वो तो उसका तो हस्बैंड ही नहीं है। और कल क्या बोल रही थी, अंडा लेके आए थे, हो सकता है किसी दूसरे का अंडा लेके आई होगी, तो बच्चे हुआ होगा क्या, कोई है प्रूफ? बोल रही थी मैं कहीं से कोई अंडा तो नहीं ना लेके आई हूँ कि मेरा दो दो बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड ने तो क्यों नहीं है दिखाती हूँ हस्बैंड को, वीडियो में नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, बस वीडियो में तो दिखा तो सकती हूँ, वो भी नहीं कर सकती। और मेरा वीडियो दिखा के क्या तुम साबित करना चाह रही, दिखाओ ना, अब रोज तुम पे वीडियो आएगा, देखते हैं तुम कितना वीडियो मेरा दिखाती हो पब्लिक को, दिखाओ यार। और तुम मेरा व्यू बढ़ा रही हो, ओ रजनी तुम मेरा व्यू बढ़ा रही हो, मेरा भला कर रही हो, पहले अपनी भला कर ले फिर मेरा भला करना। मेरा भला मत करो बाबू प्लीज़, पहले तुम अपना भला कर लो। और सिमल, और हाँ रानी मैट्रिक पास है, सिमल कितना पास है, झाड़ू पोछा पास है, रानी मैट्रिक पास और सिमल झाड़ू पोछा पास, वाओ गजब, इतना कैसे झूठ बोल लेते हो। और सिमल तुमको बोलने नहीं आता ऐसे जो तुम बोलते हो, हाय गाइस हेलो फ्रेंड, ऐसे मत बोलो, तुमको बोलने नहीं आता तो बोलने के लिए कम से कम सीख लो पहले, फिर कुछ बोलना तुम। अगर तुमको ज़्यादा परेशानी हो रहा है ना नुन्नू, तो प्लीज़ वीडियो मत देखो, खिसक लो यहाँ से, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो वीडियो मत देखो, खिसको यहाँ से, कौन कहता है देखने, मत देखो तुम। और आ जाते हैं चुटियापा करने के लिए वीडियो में, कमेंट कर करके मत देखो वीडियो, क्यों देखते हो जब इतना पिछवाड़ा फट रहा है तुम्हारा, तो देखते क्यों वो वीडियो। खैर इन लोगों का हमको कुछ लेना देना नहीं है, जाओ जो करना है करो तुम, हमको तुमसे क्या लेना देना है, बहुत सुंदर समझती है। तो आते हैं मुद्दे पे, आज सिमल का लव स्टोरी बता रहा था, ओह नो लव स्टोरी पार्ट थ्री। अच्छा ये लव होता क्या है, ये लव क्या होता है, हम सिमल तुमसे पूछना चाहते हैं, ये लव होता क्या है? तुमको तो एक बार मनीषा से लव हो गया, फिर अप्पू से लव हो गया, और फिर ये रानी आ गई। ग्रेट मैन, अच्छा लव कर लेते हो यार, थोड़ा हम लोग को भी लव का बता दो। तो बता रहा था कि मेरे लाइफ में जुड़ी और ऐसे बातचीत होते गया होते गया होते गया होते गया, और जब बात हुआ ना तो हमको ना एक साल टिक जाएगी ना, टिक जाएगी। इससे तो ये बात अगर मनीषा वीडियो में बोल दी तो कौन सा गलत बात बोली, तुम चोर, मुँह तुम्हारा चोर जैसा है, तुम चोरी करते हो, कोई शक नहीं है बाबू ये चीज में। रजनी गैज गैज गैज, और तुम भी गैज गैज गैज, क्या क्या गैज है ये, क्या बोलते रहते हो तुम लोग वीडियो में, क्यों घिना रहे हो इतना यूट्यूब को, तुम लोग मत घिनाओ ठीक है ना। और तुम चोरी करते थे तो ये बात अगर मनीषा वीडियो में बोल दी तो कौन सा गलत बात बोली, तुम चोर, मुँह तुम्हारा चोर जैसा है, तुम चोरी करते हो, कोई शक नहीं है बाबू ये चीज में, कोई शक नहीं है तुम्हारा मुँह चोर जैसा है, हम मानते हैं इस बात को, कोई शक नहीं है। तो ये सिमल का कुछ करो आप लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करोगे, है ही ऐसा। तो बस यही वीडियो था, और बहुत लोग नहीं बट आप किसी और, मतलब तुम व्यूज पाने के लिए किसी बच्चों को इस्तेमाल करोगे, अपना पति तुम्हारा पति को इस्तेमाल करे तो तब कैसा लगेगा तुम्हारा बच्चों को, मेन बात बच्चा है भी कि नहीं है भी हम नहीं जानते, पता नहीं, चलो हम बताते हैं नीचे सुमन को, चलो साउंड दो और बताओ क्या क्या बोली है मेरा बार, इतना तारीफ
तारीफ का तो मुंह तोड़ जवाब तो देना पड़ेगा नहीं ना। जैसे बोलती है तुम्हारा थोड़ा देखने का मन नहीं करता, तुम गायच गायच इतना ज्यादा बोलती हो। मेरा गायच लो अपना मुंह से बोलते हैं, गायच बोलू या भैंस बोलू या कुछ भी बोलू तुम ही क्या फर्क पड़ता है। मैं बोलू मैं और बोलूंगी, जितना तुम्हें जलन लगता मैं और बोलू। नहीं देखने का मन है तो मत देखो, क्यों इधर उधर डस्ट चैनल से खोल खोल के देखती हो, मत देखा करो। मेरा ब्लॉग देखने के लिए तो तेल नहीं मारते है किसी को भी, हम सब अपने। तो फ्रेंड मेन बात मैं आप लोगों को बोल नहीं रही हूँ, मैं बच्चों के बारे बोल रही हूँ, मेरे बच्चों मेरे हस्बैंड के बारे। उनके खिलाफ ये उंगली उठाने वाली होती कौन है? और इसकी उंगली मैं ऐसे तोड़ूंगी ना, सोचते रहिएगा अब सोशल मीडिया में मैं तोड़ूंगी इनको, क्योंकि इसका कोई हक नहीं होता किसी का फैमिली घर। मेरे को बोलती जगह चलता, लेकिन मेरा बच्चों का घर का मैटर का बात उठा के बोली है तो मैं इसको मैं कुचल दूंगी। क्या बोली थी सीमा लोग ऐसे से मारे तो हम भी आपसे मेरे को तो फायर कर, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा रियली। मैं रानी बोल रही दीदी आपके बारे कमेंट के, तो मैं बोली कि चलो मेरा बारे कमेंट किया, मेरे को इतना कोई कमेंट करते हैं, बहुत से सारा अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत से सारे बुरे कमेंट आते हैं इस वजह से, क्योंकि हाँ गलती जहाँ होता है उधर गलत करेंगे ही कमेंट करेंगे, तो जहाँ अच्छा होता है वहाँ अच्छा। और ये मिकी सुमन लगता है मेरे हस्बैंड का फोटो नहीं देखे हैं शायद, दिखाना भी नहीं था मैंने, फिर बताया ना क्या होता है, हम दिखाना भी नहीं चाहे कहीं नजर लग जाएगा तो मेरे आदमी को। उसका पति तो खुद बेढंग जैसा है दिखता है, उसका पति कैसे दिखता है खुद देखा कैमरा में झांक के? पता नहीं यार उसका है भी कि नहीं है ये भी तो हमें नहीं पता, झूठा सिंदूर लगाता होगा हो सकता है शायद। अरे यही बात तुम जो मेरा बोलती हो ना, उसकी दीदी लड़की लोगों को बुला के उसका भाई के साथ सोलाती, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी लड़की क्या पीछे थी, कोई भी लड़की मतलब कोई भी लड़की आ रहा मतलब घर में सुना रहा मतलब जरूर उसका उल्टा मतलब होता है। पर तुम ये बात समझो आप जो बोले हो बहुत उल्टा मतलब गाइस इसका कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब जितना भी हमारे सब्सक्राइबर मिलने आते हैं ना तो घर में आराम करते सोते हैं, तो मतलब आप सब्सक्राइबर वालों को सोपी क्यों, सब्सक्राइबर जितना व्यूज वाले सबको जितना आते हैं यहाँ पे घर में मिलते हैं तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, उन लोग को भी ऊपर उंगली उठा रही है मतलब बोलती है कि कोई भी आता है लड़के इसका सिमल का मतलब इसका भाई के साथ सुला देता है, इसका मतलब क्या होता है? इतना घटिया सोचे छी। और तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाले कि ये बच्चा अंडा हाँ, तुम पहले दिखाओ तुम्हारा भी अंडा है या किसी और का अंडा तुम भी डाल रही हो तो बता देना साफ साफ कि हम जानना चाहते हैं कि तुम भी बच्चे अभी भले अभी बच्चा है कैसा चर्र फटता है ना उसके हम लोग भी फटते हैं, तो इसीलिए मत पड़ो इस सब चक्कर में। व्यू सब्सक्राइबर चाहिए तो बोलो हम लोग हेल्प करेंगे, पर किसी को बदनामी करके किसी को व्यूज पाना किसी को फॉलोअर्स पाना ये कोई कमाने का जरिया नहीं है। ये यूट्यूब भी कहता है जो यूट्यूब चला रहे हमारे, अगर एक ही नहीं होता हमारे चैनल में जाकर देख, जो जो हम लोग को जो अच्छा से जो मिलने आया है जो अच्छा अच्छा बोला है वो हम लोग हर एक को सपोर्ट किए हैं, स्टोरी में लगाए हैं सब किए हैं, तुम भी बोल देती आराम से हम लोग कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये तो जरिया है बोलने का, किसी और का घुस खाई है ना, घुस खाई है तो बता देना तुम भी डाल देंगे जा इतना टेस्ट नहीं आया हम लोग ना, हम लोग ये क्या नाम इसका मिक्की सुमन को जब हम आपको जानते नहीं है पहचानते नहीं है तो बीच में क्यों हम लोग आप रोस्ट निकलाए पहले बताइए तो, क्यों निकला है किस कारण के लिए? अरे निकला तो यार अच्छा निकला हो, बाकी सब जो भी निकला नाश्ता का बोलता गाइस ये इसको रियल मतलब एक कॉमेडी वीडियो था इंसान को हंसाने के लिए, पर आप तो यार हदे पार कर दिए हो। हाँ गाइस ये बेशरम हद है, इसलिए जो भी बोलिए लाइक एंड सब्सक्राइब दे देना, दे देना फ्रेंड, लेकिन हमको कमेंट करना गलत तो मेरे दिल में लगता है इनको दे देना, मेरा बदले इसको दे देना, इनको बहुत अच्छा लगता है मिक्की सुमन को, उसको बहुत अच्छा लगता है मिक्की सुमन। गौर से कान खोल के सुनो अपना, बोला कि मेरा गलती है। अब मेन बात लड़कियों की बात, आप लोग कोई लड़की को अच्छी तरह जानती नहीं है तो मत बोलो, हम सीधी सी बात यही बोल, अब क्या इसको शादी किया तो आप लोग क्या चाहते हो इसको भी छोड़ दे कि और रोस्ट करनी मिल जाए, ये चाहते हो तो तुम बोलो जल्दी बोलो, दे देना फिर खाना पीना हम लोग आपका घर में आ जाते हैं, कितना रोस्ट मारना सामने बैठे के मरना रोस्ट कम करो। तो फ्रेंड ये आप लोगों के लिए नहीं था, ये पर्सनली मिक्की सुमन के लिए है।
अगर अभी मैं लिंक मतलब क्या बोलते हैं लिंक पे मैं डाल दूंगी और उसके वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से रोना है, उनकी वीडियो भी देखिएगा। मेरा वो गलती था, अरे हम किए क्या, हम लोग तो कुछ किए ना, हम लोग तो बस अपना